नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भद्रक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। आज हम लोग सवेरे नगर फेरी करते करते जिनके घर में आए हैं, घर का मालिक कौन है? घर का मालिक कौन है? माता जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। नाम ही लक्ष्मी। सवेरे सवेरे सब लक्ष्मी आ गई, इसलिए लक्ष्मी माता जी घर में। और अब दो भाई क्या कर सकते हैं? ये इनकी बेटी, एक ही बेटी पास रहती है। ये मम्मी और इनका पति और उधर तेज क्यों कर रहे हो? पीछे बाहर कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। ठीक, आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्ण। इसलिए आज हम सवेरे नगर कीर्तन करते करते यहाँ पर आए हैं। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनका भजन आता है। उदिल अरुण पूरब भागे दिजो मणि गोरा अमन जागे भक्त समोह लैया साथे गोरा केला नगर ब्राज। चैतन्य महाप्रभु भी सवेरे क्या करते थे? जब सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते थे और सारे भक्तों को लेकर के, जैसे आप लोग नगर फेरी करते हैं ना, महाप्रभु गली गलियों में भगवान खुद साक्षात कृष्ण ताऊ भैया राधा रानी नारद जी महाविष्णु ये सबके सब कीर्तन करते थे। पूरा सवेरे उठकर कीर्तन करते थे। क्यों? सवेरे जब उठ करके भगवान का कीर्तन कानों में पड़ा ना, बस पूरा दिन भर कितना मंगल भवन अमंगल हरि। सवेरे सवेरे अगर ठाकुर का नाम से ही समय बीते तो दिन भर तुम्हारी बढ़िया जाएगा। कहते ना वीर बहन होन हार की हो तही चिके न पार। इसलिए माता जी बात मत करो, वही खड़े रहो कथा करो। इसलिए आज हम लोग कीर्तन करने से क्या लाभ है? पहले होता है ना, जो हरिदास ठाकुर वो 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते थे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी मुसलमान ने पूछा, भैया हमें सुने भजन मन मन में करनी चाहिए, तो ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों, इस चिल्ला चिल्ला कर क्यों हरि नाम करते हो? तो उन्होंने प्रश्न किया, एक बात बताओ, एक व्यक्ति इनकम करके खुद खाता है, एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बोले दोनों में बड़े कौन है? बोले जो परिवार को खिलाता है। बोले उसी तरह जो व्यक्ति अपना मन मन में कीर्तन करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्चे स्वर में हरि नाम करते हैं, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा, कोई इंसान के सिवाय कोई भी ठाकुर का नाम को कोई डर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी कामना में भी जो भगवान के नाम पड़े उनका भी कल्याण है। तब उन्होंने पुराण से एक श्लोक को उद्धृत करते हुए बोले, बोले जब तो हरि नामानि स्थाने सत्तो गुणाधिक। जो मन मन में हरि नाम करते हैं उसको जो फल मिलता है, जो उच्चे स्वर से कीर्तन करते हैं, जैसे सवेरे हम लोग
कीर्तन करते करते आते हो। शास्त्र कहता है सत्त गुणाधिक, सौ गुण उसको ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि दूसरों को कान में भी भगवान का नाम गया, उनका भी तो कल्याण हुआ है, उनका भी तो कल्याण हुआ। इसलिए आप लोग जो सवेरे सवेरे कीर्तन करते हो, भगवान स्वयं भी ये सवेरे सवेरे कीर्तन करते थे। जो लोग रोज रोज ये नगर थली में आते हैं सवेरे, देखना सबसे ज्यादा नींद कब आती है, सवेरे आती है, और उसी समय में अपना नींद को खराब करते हुए आप लोग जो भजन कर रहे हो, आपको धन्यवाद है। आप लोग के लिए ताली बजाओ। कम से कम सवेरे जो व्यक्ति ये नगर थली में जो व्यक्ति सवेरे सवेरे आते हो, और महाप्रभु है ना बड़े दयालु, बड़े कृपालु है, और देख रही ना महाप्रभु। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जो हरि का नाम करते हैं, हरि का नाम करने का साथ साथ उसको तीन फल प्राप्त होता है। कितना फल होता है? तीन। क्या क्या होता है? हाँ ध्यान दे कृष्ण। रूप गोस्वामी कहते हैं पहला फल है नरक में जम महाराज जमदूत को बुलाते, श्री चित्रगुप्त को बुलाते। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारी लेखा जोखा करता है, हमने जीवन में जो जो कर्म करते हैं ना, वो ऊपर एक ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ, वो सारे फोटो खींच रहा है, सारे अपनी आप फोटो खींचते जा रही है, सब वहाँ पर सब रिकॉर्डिंग हो रही है। जब जाएंगे ना सब खुलेगा, वहाँ पर काफी खुलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, जो हमारी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कर्म का अनुरूप फल देने वाले, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। बल्कि इसलिए बल भगवान का नाम ले रहा है ना, अभी कभी जामपुरी नहीं आएगा। ताली बजाई नहीं तुम लोगों ने? अब हरिनाम से जामपुरी नहीं जाएगा। बोले दूसरा फल क्या है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुला दी, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, इसका नाम को यहाँ पर लिख दे। ये जब शरीर छोड़ेगा वो सीधा मेरी दासी बन करके, सखी बन करके मेरे धाम को गोलोक वृंदावन सीधा आएगा। बोले तीसरा काम क्या है? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी, ब्रह्म लोक इसको कहते हैं, जैसे भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक, ये ब्रह्म लोक जहाँ पर विदाम ब्रह्मा जी पृथ्वी का सबसे जो ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचा स्थान में ब्रह्मा रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब भगवान का नाम करता है, ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए भगवान का धाम में जाएगा। इसलिए जब व्यक्ति हरि का नाम करना शुरू कर देता है, वो आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? जब ये ब्रह्म लोक को पार करेगा मैं इसको आरती उतारूंगा, उसको आरती उतारूंगा। इतने महिमा है जो व्यक्ति भगवान की भजन, और आप लोग जो सवेरे सवेरे हरिनाम करते हैं ना, आप सोच नहीं सकते इसकी कितने पुण्य है, आप सोच से बाहर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारतम। हे भारत, हे अर्जुन, मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले पापी तो ले ही नहीं सकता है। भले ही दिन भर बैठ करके उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी परचर्चा कर सकता है, लेकिन मेरे नाम उसका मुंह से नहीं निकलेगा। बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक जिसने भगवान की निष्कपट रूप में सेवा पूजा की है, ये कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। बोले तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत, वही व्यक्ति ही मेरे नाम को जप कर सकता है, वही व्यक्ति ही मेरे नाम को जप कर सकता है। इसलिए आप लोग जो भगवान का नाम कर रहे हो, नगर फेरी कर रहे हो, हम तो धन्यवाद देते हैं हम सबको, जो हम लोग रोज रोज संगरूर में जो हरिनाम कीर्तन करते हो। गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे पत्थर उठा और पानी में फेंको, पत्थर उठा करके पानी में फेंको, क्या होगा? पानी में लहरी आएगी, देखा ना, लहरी आती है, फिर 2 बार लहरी आएगी, 3 बार लहरी आएगी। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, ये सप्त ब्रह्म है, ये भगवान का नाम है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये सप्त ब्रह्म चारी तरफ में बिखर जाती है।
चारों तरफ में ये नाम चारों तरफ में बिखरते विघन नगर किया होगा, कहते मंगल भवन मंगल हरि। जिस देश में ये हरि कीर्तन हो उसी देश में दुर्भिक्ष कभी नहीं आ सकती, उसी देश में किसी तरह का बीमारी दुख कष्ट आ ही नहीं सकती। इसलिए शास्त्र ने बताया सर्प रोग उपशमनम सर्प उपद्रव शमनम हरि नामान कीर्तनम, जो हरि का नाम से किया होता है बोले सर्प रोग उपशमनम। सबसे बड़ा दवा अगर कोई भगवान का नाम बोले सर्प उपद्रव शमनम, उपद्रव मतलब जितना तरह का दुख कष्ट है, इसके सबसे सरल उपाय क्या है बोले हरि का नाम है। ये हरि का नाम, इसलिए हरि नाम कीर्तनम, हरि नाम कीर्तन से सारे दुख कष्ट चले जाएगा। देखो मैं एक गांव से हमारा जो उड़ीसा से मैं गांव के हूँ पुरी के, हमारे गांव में जब किसी घर में आग लगी जाती थी महामारी दुर्भिक्ष तरह तरह का कष्ट होता था, लोग क्या करते थे जैसे हम नगर फेरी कर रहे हैं ना, बस मजिला कीर्तन लेकर के गली गलियों में ठाकुर का नाम कीर्तन करते थे। जब कुछ दिन नाम कीर्तन करते थे अपनी आप गांव का जितने दुख कष्ट है अपनी आप सारे दुख कष्ट शांत हो जाता था सारे अपनी आप। अब लोग देख लेना अगर घर में कोई दुख कष्ट है कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ सबके सब परिवार बैठ जाओ, मजिरा ढोलकी हो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं हो केवल ताली बजाते हुए कीर्तन करो, अपने घर में कीर्तन करो, आप देखना घर का दुख कष्ट। उनका नाम ईश्वर है, ईश्वर मतलब क्या, ईश्वर मतलब अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सक्य थे सब ईश्वर बोले है को नहीं नहीं को जो है कर सकता है वो ईश्वर है, जो हम नहीं कर सकते वो कर सकता है। सारे चाबी काटी उसको पास में थोड़ी सी घुमा दो ना बस वो मच्छर को ब्रह्मा ब्रह्मा को मच्छर वो बना सकता है, हैं? नहीं तो शंकर जी पंचमुख के राम नाम गान त्रिपुरा ने पंचमुख में शंकर जी को प्रभु का नाम लेंगे, जो पार्वती को हम पूजा कर रहे हैं वो पार्वती क्यों माला जप करेगी वो क्यों कर रही है। आज जो हनुमान जयंती है हनुमान खुद क्या कहते हैं सवेरे उठ करके मेरे मुंह को ही देख लिया ना मेरा नाम को ही ले लिया दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी कहते देखो राम नाम की कितने महिमा सुमिरी पवन सुत पावन नाम आपन बसत करेगा के राम। हनुमान जी क्यों विश्व ब्रह्मांड का मालिक को बसीभूत क्यों कर दिए, कहते सुमिरी पवन सुत पावन नाम, केवल एक ही कारण है भगवान के पवित्र नाम को ये जप करते, केवल प्रभु के नाम ही जप करते हैं इसलिए भगवान को ही उन्होंने बसीभूत कर लिए। इतने महिमा प्रभु की नाम की, इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती बोले मंजन फल देखाई तत्काला का कहोई बेकबक ओ मराला। आज जो घर में आज जो ये सत्संग हो रही है ये शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अरे गरे कोई व्यक्ति बोले ना इस बात की क्या महत्व है, लेकिन स्वयं देवदेव महादेव कह रहे हैं, दुनिया जिनकी पूजा करते किसको कह रहे हैं पार्वती को कह रहे हैं बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संग बड़ा दुर्लभ है, वो स्वर्ग में भी नहीं ब्रह्म लोक में भी नहीं वैकुंठ में भी नहीं ये ठीक है। कहते जो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते ही क्या फल है, जो पार्वती पूछे आप इतने सत्संग 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 बोलते जा रहे हो ये सत्संग करने से होता है क्या, शंकर जी कहते पार्वती मन जन फल देखो तत्व कला, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते ही ना झट उसका फल मिल जाता है। बोले क्या मिली जाती है बोले काक होई पी का बको मरला। अब लेने कौवा देखे हो, कौवा देखे हो बताओ कौवा देखने में कैसे काला, कोयले देखे हो देखने में कैसे, शंकर जी कहते हैं कथा रूपी गंगा में अगर कौवा अगर गोता लगाएगा ना वो कौवा नहीं रह जाएगी कोयले बन जाएगी। बोले मतलब क्या है, मतलब क्या अगर कौवा बैठ कर का परिश्रम करे ना अरे कब से का कर रहा है कान दर्द हो गया, लेकिन अगर बसंत ऋतु में जो कोयले जब कूकती है कितने मीठी है,
पहले का आवाज कितने मीठी है। शंकर जी कहते हैं पार्वती सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करेगा ना वो कौवा नहीं रह जाए। कौवा मतलब क्या है, जो दुनिया की बात जो का 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 दिन भर दुनियादारी की बात करता है वो कौए सबके सुनते। लेकिन कोयल मतलब क्या है, जो केवल भगवान की कथा को बोलते हैं। भगवान की शंकर जी कहते हैं कथा रूपी गंगा में नहाओ तुम कौवा नहीं रह जाओगे, तुम का दिन भर नहीं करोगे, दुनिया की चुगली निंदा इधर उधर की बात नहीं करोगे, क्या बन जाओगे, कोयल बन जाओगे। कोयल मतलब क्या, भगवान के नाम करोगे, भगवान की कथा को बोलोगे, भगवान की कथाओं को बोलोगे। देखो इनको देखो संगर के देखो तो माफ कर देखो, इन्होंने वृंदावन में गए ना सत्संग करते हैं, वहाँ सत्संग किया फिर वो सत्संग करके कोयल हो गए, कोयले बन गए। और इधर आकर क्या आप लोगों को लगा ताली बजाओ दोनों के लिए। इनकी बदौलत चल रही है, मैं कहीं बोल रहा हूँ। इसलिए उन्होंने संतों का संग दिया ना उधर जा करके, पर इधर आकर के इधर उधर बात करते हैं, सुनते हैं सुना इनसे नहीं, ठाकुर की कथा करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान की हरि चर्चा करते हैं। कहते वो कोयल है वो कौवा नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं शंकर जी, बोले बकौ मराला। आप लोग ने बगुला देखे होंगे, बगुला देखे, देखो बगुला देखने में कैसे है, सफेद हंस देखे हो देखने में कैसे है, वो भी सफेद है। शंकर जी कहते हैं ये जो बगुला क्या करता है, देखना कीड़े मकोड़ा दिन भर घूमता है, वो कीड़े मकोड़े खाता रहता है, लेकिन हंस क्या करता है, ये मानस सरोवर में कमल का मधु का पान करता है। शंकर जी कहते हैं हे पार्वती अगर ये कथा रूपी गंगा में अगर बगुला अगर डुबकी लगाए ना वो बगुला नहीं रह जाएगी, क्या करेगा, जैसे मानस सरोवर का हंस बन करके कमल मधु को पान करेगा, कमल मधु को वो पान करेगा। मतलब क्या है, बोले भगवान की कथा अमृत को वो पान करेगा, भगवान की कथा अमृत को ये पान करेगा, दुनियादारी कीड़े मकोड़े को नहीं ढूंढेगा है, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा। इसलिए आज हनुमान जयंती है, हैं? हनुमान जी को देखो है, जब हनुमान जी कहाँ पर पहुंचे, लंका में पहुंचे, लंका में हनुमान जी पहुंचे तो वहां पर ढूंढ रहे थे मैया सीता कहाँ पर ढूंढ रहे थे, हठात उन्होंने देखा है कि तुलसी की बगीचा, बोले अरे यहाँ पर तुलसी बगीचा कहाँ से आ गया, तुलसी बगीचा से किसी भगवान की भक्त का दरबार में होता है। देखो यहाँ पर शिक्षा दिया हर घर में तुलसी पौधा होनी चाहिए, हनुमान जी जिसको देख करके उत्तर करके आए थे। फिर जब नीचे आए ना देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ श्री राम, फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, बोले ये तो सारे मेरे प्रभु का ही चिन्ह है, लगता है यहाँ तो कोई भक्त रह रहा है, भक्त रह रहा है। देखो यहाँ हनुमान जी शिक्षा क्या देते हैं, जैसे घर का नाम है ना अपना नाम पर घर का नाम नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। विभीषण क्या नाम रखा था, श्री राम भवन, श्री राम भवन। किसने जाकर चुगली किया रावण से, बोले जिस राम को तुम जिस राम राम को साथ में तुम्हारी शत्रुता है, तेरे घर में तो राम के सबसे प्यारे भगत तेरे घर में बैठे हुए, बोले कैसे बोल रहे हो, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया, बोले पता कैसे चला, बोले घर में क्या करते, घर को सामने क्या लिखा हुआ, रावण भागते भागते आया, बोले ए विभीषण, बोले भैया क्या बात है, बोले जो मेरे शत्रु तू उसका नाम कैसे लिख दिया, बोले कहां पर, बोले क्या लिखे हो, श्री राम भवन। देखो बहुत उन्होंने अच्छी शिक्षा दिया, भजन जो करना चाहते हैं अच्छी शिक्षा दिया, बोले कहां श्री राम भवन, बोले लिखा हुआ ना, बोले मैं तो अपना भाभी भैया से ज्यादा प्रेम करता हूँ ना इसलिए उनका नाम लिखा, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या बता, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले रा, बोले भाभी का नाम क्या, बोले मंदोदरी, बोले पहला अक्षर क्या, म, श्री राम भवन, श्री रावण मंदोदरी भवन। खुश हो गया, ओ खुश हो गया। इसका मतलब है देखो ना, इसका मतलब है आप जो भगवान की भक्ति इस चीज को गांठ बांध कर ले जाओ, आप जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाओगे ना सारा दुनिया तुम्हारी विरोध बनेगा, सारा दुनिया तुम्हारी विरोध बनेगा है। जैसे ये माता जी कह रही थी
जब मैं तिलक लगाती हूँ घर वाले कहते तू तो बाबा तुम तो बाबा जी बन गए साधु बन जाए जब वृंदावन जाकर गाओ। और कल एक छोटी लड़की आई थी वो भी भजन करती है कहते मैं तिलक लगा कर चला गया अपना ट्यूशन में ये क्या टीका लग करके आये हो बैठे हुए हो आई हो पीछे बैठी इसलिए कहते रोज जाती इसलिए घर वाले बोले क्या दिन भर टीका लगा कर घूमती हो। ये आश्चर्य जगत है अगर कोई शराब पीना बैठा कुछ नहीं बोलेगा सिगरेट फूके राडी बाजी करे कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लग जाओगे जैसे मीरा ने जब भगवान की भक्ति की देख लेना ससुर ननद देवर यहाँ तक भी गांव के कुत्ता तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ी लेकिन मीराबाई सारा दुनिया को छोड़ दी लेकिन भगवान की भजन को नहीं छोड़ी। सारा दुनिया को देखो जय जयकार किसकी हो रही है मीरा की हो रही है मीरा की हो रही है शिक्षा ये लोग शिक्षा दे गए बोले देखो भजन करने के लिए जाओगे ना दुनिया तुम्हारी विरोध करेंगे जब गले में तिलक कंठी धारण करोगे हैं विरोध करेंगे लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़ना दुनिया छूट जाए एक दिन दुनिया छूटेगा तेरे को ही छोड़ देगी दुनिया एक दिन दुनिया छूटेगा लेकिन भगवान की जो भक्ति करोगे वही दुनिया में तुम्हारी नाम अमर बनकर रहेगा। और जब भगवान की भक्ति उदाहरण देकर समझाए लोहार को देखा देखे हो लोहे को क्या करता है आग में देखा लोहे को जब पूरा लाल हो जाएगा निकालेगा हाथोड़ी से मारेगा ये मार मार करके फिर देगा पानी में फिर देगा आग में फिर निकालेगा फिर मारेगा मार मार करके ऐसे उसको मजबूत बनाता है लोहे लोहे को काट डालता है लोहे लोहे को काट डालता है। किसने प्रभुपाद से प्रश्न किए बोले भक्ति करते समय जो थोड़ी बहुत विपद क्यों आती है देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कितने गजल की बात प्रभुपाद बताए बोले देखो भगवान उसको परीक्षा करके उसको मजबूत बनाना चाहते हैं इसलिए तरह तरह का विपत्ति आती है हाँ, उसको भगवान मजबूत बनाना चाहते मजबूत बना करके अपना चरण में स्थान देना चाहते हैं। उदाहरण दिया जैसे कि बच्चा देखो छोड़ो अच्छे तरह से इसको गांठ बांध लो जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है जब पढ़ाई करता है ये पेपर क्यों आता है बताओ पेपर क्यों आता है एग्जाम क्यों आता है पेपर क्यों उठाता है बच्चे को क्लास से टू टू से थ्री थ्री से फोर ले जाने के लिए। लेकिन जो बच्चों का पेपर आता है बच्चे कितने कितने घंटा पढ़ते हैं दस दस बारह बारह तेरह तेरह पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटा पढ़ते हैं। कल पेपर होगा पूरा दिमाग में सारे पुस्तक लेकर जाते हैं क्यों कठिन था ना पेपर जब आए पढ़ाई लिखा तो सब किए होंगे आपको पता होगा पढ़ाई लिखाई में कितने कठिन है क्यों उसी तरह कहते इसीलिए ये विपत्ति आती है एक क्लास से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे। और एक दिन ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन पहुंचा देते हैं जीव को इसलिए कभी कभी ये परीक्षा आता है ये तभी ये परीक्षा आती है ठीक है ना। इसलिए हनुमान जी वहां पर देख करके सोचे ऐसे नहीं हो मेरे को कोई परीक्षा करने के लिए तुलसी बगीचा और ये राम का नाम तो नहीं लिख दिया क्योंकि राक्षसपुरी है ना। इतने में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश किया बोले कौन है देखा विभीषण लेटा हुआ जिनकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम जिसकी रोम रोम से राम का नाम आ रहा था। बोले भैया कोई कपटी व्यक्ति होगा ना उसकी रोम रोम से कभी प्रभु का नाम कभी आ ही नहीं सकता है। जो एकदम भगवान की पक्के भक्त होंगे उसी की ही माता जी बात मत करो चुप रहो वही खड़े रहो बात मत करो इसलिए कहते उसी की रोम रोम से ही प्रभु का नाम आ सकती है नहीं तो प्रभु का नाम कपटी व्यक्ति का रोम रोम से कभी नाम नहीं आएगा। फिर वहां क्या हुआ हनुमान जी दरवाजा खटखटाए विभीषण जी आए अरे विभीषण से बात हुई जब पता चला है पता चला ये हनुमान जी कौन है राम के एक अनिष्ट भक्त है राम की एक अनिष्ट भक्त है। फिर विभीषण क्या कहता है आज मोय भा भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता जो रघुवीर मई अनुग्रह की तो मई दरस लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गई है मैं कभी भी नहीं सोच सकता था
चारी तरफ में नरभक्ष राक्षस बैठे हुए, चारी तरफ में घिरे हुए, और इसको बीच में भगवान की सबसे प्यारे भक्त हनुमान का दर्शन। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, लगता है प्रभु राम मेरे को जल्दी मिलने वाले। इतने में श्री विभीषण कहता है, हनुमान जी आप किस लिए आए? बोले माता सीता को ढूंढने के लिए। बोले देख तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है। हनुमान के पास में कौन है? कौन है? राम है। अरे मेरे पास में कौन है लंका में? सीता है, माँ है। पूर्ण कब होता है? जब बाप माँ दोनों मिले तब तो पूर्ण होगा। इसलिए मैं तेरे लिए एक काम करूंगा, तू मेरे लिए एक काम कर लेना। बोले बताओ। बोले मैं तेरे को अपना माँ से मिला देता हूँ और तू मेरे बाप से मिला कर, बस दोनों का काम बन जाएगा। बोले जा अशोक वाटिका में श्री माता सीता को दर्शन करो। उन्होंने कभी तो देखा नहीं, तो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को दर्शन की। बोले देख तेरा काम करा दिया, मेरे काम बाकी रहता, मेरे को तो बाप से मिला देना। जब विभीषण ने रावण को समझाया, हम पुलस्त वंश के धरे है, हमारी कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा कर ले जाना, ये हमारे धर्म नहीं, ये जगदम्बा जग जननी जा, प्रभु राम को वापस देकर के आओ। रावण ने किया क्या? लात मार करके विभीषण को लात मारी और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया। फिर उसने अपना राज मुकुट दे करके प्रभु राम की शरण में आ गया। जब राम की शरण में आए, बंदरों ने पूछा भैया तेरा परिचय किया है? बोले राम से मिलना चाहते। बोले परिचय किया? बोले रावण का छोटा भाई। जब वो सुना रावण का छोटा भाई कल सवेरे युद्ध होने वाले, एक दिन पहले आया महाभीष्म दुष्ट, ये राक्षसों को समझना बड़ा कठिन है, ये उसको रस्सी में बांध बुंद करके लेकर के आए। किसको? विभीषण को। जब विभीषण को लेकर के आए, विभीषण देख रहा था यहाँ पर मेरे परिचित हनुमान जी है कि नहीं। देखते देखते हनुमान जी को देखा, ए हनुमान को देखे ना उसका कलर ऊंचा हो गया, कलर ऊंचा हो गया। क्यों? देखा मेरा कोई परिचित व्यक्ति यहाँ पर है जो गवाह देने वाले हैं मैं राम का भक्त हूँ, और प्रसन्न हो गए। इतने में हनुमान जी पूछे विभीषण कैसे हो? बोले एकदम बात मत करो, एकदम बोलना नहीं। बोले क्यों? बोले तू लंका में आया था और ना से मिलाया, तू बताया था ना बाप से मिलाओगे, देख मेरे को कैसे रस्सी में बांध बूंद करके लाए। हनुमान जी ने पूछा ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया था रावण का छोटे भैया। बोले तभी तो तेरे को बात करके लाए, अगर ये परिचय देता हनुमान का मैं मित्र हूँ, हनुमान का मैं मित्र हूँ, तेरे को स्वागत करके लाते, लेकिन पहले परिचय तुमने गड़बड़ी दे दिया है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते भैया परिचय ठीक से दो। इसलिए जब हमें कोई पूछते है ना तुम कौन हो, हम कहते हैं हम भगवान का दासों का दासों का दासों का दास है। इसलिए हनुमान क्या बोलते हैं? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हैं मैं प्रभु राम की सेवक हूँ, प्रभु राम मेरे पति है, प्रभु राम मेरे पति है। इसलिए परिचय भैया सही देनी चाहिए। इसलिए जब हमारे पास कोई दीक्षा मंत्र लेते हैं ना, पहले हम ब्रह्म संबंधी करा देते हैं। ब्रह्म संबंधी मतलब क्या है? पहले नाम, जिस नाम से उसका नाम होता है उसका पहला अक्षर रख करके, फिर हम कोई ठाकुर का नाम को हम उनको दिला देते हैं। ठाकुर जी का नाम क्या नाम तुम्हारे दिया? अनीता। अरे मैंने तुम्हारे नाम क्या दिया? आपका क्या नाम दिया? देखो ये प्रेम लता दासी, प्रेम लता मतलब प्रेम की जो लता राधा है। और किसको दिया तुम्हारे? क्या श्यामा दासी, श्यामा मतलब राधा रानी, दासी मतलब दासी। इसलिए हम उसको भक्ति का नाम दे देते हैं, ये ब्रह्म संबंधी हो जाता है, मतलब भगवान को साथ में जोड़ देते हैं। जब कोई दीक्षा मंत्र लेता है ना, फिर उनको भक्ति का एक नाम दे देते हैं, जो कि राधा जी का दासी, राधा जी की सखी, जो पुरुष लोग होते हैं भगवान की सेवक का नाम देते हैं। इसलिए नियम है, है? नियम है। इसलिए आप लोग सत्संग में आते हो, सत्संग में आते हो है ना, उसका कुछ रंग चढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कितना दिन से सत्संग में जुड़े हुए, अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं, गला में कंठी नहीं, तिलक नहीं, कुछ भी नहीं, हरिनाम नहीं। नहीं, शंकर जी कहते हैं मन जन फल देखई तत्काला। सचमुच से अगर हम सत्संग रूपी गंगा में नहाएंगे क्या होगा? कुछ उसकी परिवर्तन आनी चाहिए जीवन में, उसका जीवन में कुछ हमारी
परिवर्तन आनी चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आया तो थोड़ी उसको संकट कहते, थोड़ी ऊपर कहते। उदाहरण दिया है, संतों की जटा में जू भी रहता है लेकिन वो खून चूसता है, वो थोड़ी सत्संग है, वो अपना खून चूसता है। उसी तरह जब तक हम सत्संग में आ रहे, प्रमाण किया है, गले में तुलसी की घंटी होनी चाहिए, ललाट में तिलक होनी चाहिए, हरि की माला होनी चाहिए, ये तीन चीज तो होनी चाहिए ही, ये तीन चीज तो होनी चाहिए, तभी तो सत्संग का रंग चढ़ रहा है ना। नहीं तो गए और आए, इधर सुना और इधर निकाल दिया कानों में, इस कान में सुने इस गान में निकाल करके चला गया सत्संग। ये पल्लू झाड़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ भी होने वाले नहीं, हजार जन्म ऐसे कर लो। हाँ, इसलिए उसका रंग चढ़े, रंग चढ़े मतलब गला में कंठी तिलक, जब स्वयं कहते ना ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस, जब स्वयं कहते हैं, जब दूतों कहते हैं उन उनको ले आना जिसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं, जो तिलक नहीं लगाए, जो प्रभु का भजन नहीं करते, हरिनाम नहीं करते हैं। बोले तान आने अधम, उन अधम को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में पकड़ पकड़ करके ले आओ, जब स्वयं कहते बात को हैं। उसी दिन बताने का पासपोर्ट वीजा और टिकट, पासपोर्ट किया गले में कंठी, वीजा किया टिकट, वीजा किया है तिलक और जो टिकट है भगवान की नाम। ये तीन चीज को ठीक करो, ज्यादा चीज नहीं, एक तीन चीज को पहले अपना जीवन में तीन चीज को ठीक कर लो, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ और हरि की माला लो, तभी सत्संग की पूरा तभी तो फल मिलेगा ना। केवल आए और गए इसमें थोड़ी होता है, हाँ, आए और गए थोड़ी होता है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हरि का माला ले लेना, गले में तुलसी कंठी पहनो और ललाट में तिलक धारण करो, ये तीन चीज सत्संग से ग्रहण करो, अरे हमारे जीवन हमारी धन्य हो जाएगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। देखो हनुमान जी को देखो, हनुमान जी एक समय मैया सीता, हनुमान जी का आदर्श देखो, एक दिन मैया सीता घर में श्रृंगार कर रही थी, हनुमान तो माता जी को अपना माँ समझती है, हनुमान जी श्रृंगार भवन में घुस गए, मैया श्रृंगार कर रही, हाँ जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अंदर में घुस गए, अंदर में घुस करके ना ऐसे 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 कर रहे। इतने में हनुमान जी ने पूछा, बता माता जी तुम क्या कर रहे हो, इतना बड़ा सिंदूर का बिंदु लगा दी यहाँ पर, एक एक मांग भरती हो, ये क्या माता जी। बोले बेटा ये स्त्रियों का सुहाग का है, ये सुहाग चिन्ह है। बोले माता जी सुहाग क्या होता है, इसको क्यों माताएं धारण करती है। बोले पति की दीर्घायु के लिए, पति की कल्याण के लिए, हमारे सामने पति मरे नहीं, हमारे सामने पति मरे नहीं, पति की जस हो, इसलिए स्त्रियां क्या करती हैं, सिंदूर और ये मांग को भरती सुहाग का चिन्ह बेटा। हनुमान जी सुन करके चले गए, जब जब माता जी श्रृंगार करके चली गई ना, हनुमान जी घर में घुसे, जाकर के जितने सिंदूर था ना सारे सिंदूर को लेकर के पूरा शरीर में पोत दिए, पूरा शरीर में पोत दिए, पोत करके राम दरबार बैठा हुआ था हनुमान वहां पहुंच गए। ए जितने अयोध्या वासी देख करके हा 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 कर हंसने लगे, देखो ये बंदर को क्या क्या कर रखा, पूरा सिंदूर को सारा शरीर में लगा दिए। लेकिन भगवान राम तो सब जानते हैं, इतने में भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी तुमने ये क्या किए हो, ये सारे सिंदूर को शरीर में क्यों पोत दिए। बोले प्रभु जी मैंने देखा माता जी सिंदूर लगा रही थी, हमने पूछा मैया ये क्या है, एक बूंद यहाँ पर एक रेखा क्यों खींची हो। बोले पति की सुहाग के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, जस के लिए, मैंने देखा जब एक बूंद और एक रेखा लगाने पर अगर प्रभु राम की इतने कल्याण हो, मेरे प्रभु तो राम ही ना, मेरे तो पति राम ही है ना, इसलिए अगर संपूर्ण शरीर में अगर मैंने ये सिंदूर लगा दिया तो मेरे प्रभु की एकदम दीर्घायु होगा, संपूर्ण विश्व में जिनकी जस जाएगी। देखो हनुमान जैसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, प्रभु की सुख के लिए पूरा शरीर में सिंदूर लगा दिए हैं, वो अपना सुंदरता नहीं देखे, हम क्या देखते हैं, हमारी आंख कैसे है, हमारी नाक कैसे है, हमारी होंठ कैसे, देखते हैं ना अपना शीशा में,
अपना सुंदरता को देखते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं देखे, क्यों? प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए ये जो हम ये लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हैं? गले में कंठी, ये क्या है? ये असली स्वभाव हमारी है। जैसे एक स्त्री जब बड़ी सुंदर श्रृंगार करके अपना सुहाग धारण करते हुए पति को सामने जाता है, पति खुश होता है कि नहीं? खुश हो जाता है ना। अगर पति जिंदा तुम्हारी, तुमने सारे सदा का श्रृंगार निकाल दी, सारे विधवा की ड्रेस पहन करके पति को सामने चली गई, पति खुश होगा? बोले मैं जिंदा रहते रहते तो क्या मेरे को मार डाली तुमने? अभी मैं जिंदा तो क्या मार डाली, तुम क्या विधवा रूप दान करके आई? जब जब साधारण जगत में पति स्वीकार नहीं करेगा तो भगवान तुम्हें क्या स्वीकार करेंगे? अगर तुम्हारी गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, ठाकुर एकदम तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं। बोले क्या प्रमाण तुम मेरे को मानते हो? क्या चिन्ह तुम्हारी अंदर में? भगवान नहीं मानेंगे तुमको, जितने मैं तेरा तेरा मेरा कर दो। इसलिए ये चीज हमारी गले में कंठी तिलक होनी चाहिए, तब ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे। नहीं तो बोले तुम विधवा हो, तुम्हारे कोई पति पति नहीं, तुम विधवा स्त्री हो। इसलिए हम विधवा नहीं बननी चाहिए, हमें सधवा बननी चाहिए। किसकी? आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कृष्ण की दुल्हन बनना है, इसके लिए गले में कंठी तिलक, यही उनकी दुल्हन की लक्षण, ठीक है ना? कम से कम ये चीज को ठीक कर दो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हनुमान लाल की, जय जय श्री लाल।